अनीश्वरवादिनां च अनीश्वरवादियों के प्रति अनुमान यह कह रहे हो कि इच्छा देह एतद्ग्राहक अनित्य अनुमानातिरिक्त अनुमान वेद्याः वेद्यत्वादिति साधनाद आभास समान योग क्षेमत्वाद। आप प्रत्यक्ष साक्षी चैतन्य मानते हो यह मानने की कोई जरूरत नहीं है। जो सर्व प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष है साक्षी उसको सिद्ध कर रहे हैं ना यहाँ पर अनुमान से। विचार शुरू किया था इन्होंने वेदांती ने, कहा कि अविद्या का आवरण ही, अविद्या से ब्रह्म का आवरण करना ही बंधन है और विद्या और अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है, ये निष्कर्ष कर दिया था। उस पर पूछा विद्या कहाँ रहकर आवरण कर रही है ब्रह्म को, ब्रह्म में आश्रित होकर ब्रह्म को आवरण किया, जीव में आश्रित होकर ब्रह्म को आवरण किया, इत्यादि विकल्प उठा करके पूर्व पक्षी आपके सारे पक्षों का खंडन करते आ रहा है। अब आपने सिद्ध करना चाहा कि भाई साक्षी नाम की चीज है, इसी के आधार पर हम व्यवस्था देंगे, कहते नहीं आपके साक्षी भी सिद्ध नहीं होता है कि आप जो साक्षी कह रहे हो ये प्रमाता से अलग नहीं है। जिसको हम प्रमाता कह रहे हैं और आप भी प्रमाता मानते हैं इंद्रियों के द्वारा जो जानने वाला विषयों को, उससे अलग साक्षी नाम का कोई वस्तु नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहना चाहता है। और आप क्या अलग अलग, साक्षी अलग चीज है, प्रमाता अलग चीज है, प्रमाता का भी प्रकाशन हो जाता है, साक्षी की तरह प्रकाश है वो भी, साक्षी हो गया वो भी। इस बात को नहीं कहा कि नहीं वो साक्षी नहीं है, जो प्रमाता है वही साक्षी है। उसके लिए जो आपने अलग सिद्ध करने के लिए अनुमान किया ना, आपने ये कहा था इच्छा दया एतद् ग्राहक अनित्य ज्ञानातिरिक्त प्रत्यक्ष वेद्या कहा था। अनित्य ज्ञानातिरिक्त का मतलब क्या, नित्य ज्ञान रूपा साक्षी के द्वारा ही वेद्य है। अनित्य ज्ञानातिरिक्त प्रत्यक्ष वेद्या का मतलब है साक्षी वेद्यता आप सिद्ध कर रहे थे इन इच्छादियों को, लेकिन वो कहता है ये अनीश्वरवादी क्या करता है यहाँ, यही पक्ष लिया और अनुमान दूसरा कर रहा है, वो प्रत्यक्ष वेद्या नहीं कहता अनुमान विद्या, इसे विपरीत अनुमान की इच्छा दे एतद् ग्राहक अनित्य। आपने कहा था ज्ञान अतिरिक्त प्रत्यक्ष, वो कहते अतिरिक्त, ये कहते अनुमान अतिरिक्त अनुमान विद्या। एतद् ग्राहक अनित्य अनुमान अतिरिक्त, अनित्य जो अनुमान है उनसे अतिरिक्त कोई नित्य अनुमान के द्वारा ही है, अरे नित्य प्रत्यक्ष कोई साक्षी या ईश्वर आदि मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म या नित्य प्रत्यक्ष मान रहे हैं, नित्य ज्ञान प्रत्यक्ष मानने की जरूरत नहीं है, अनुमान के द्वारा सब कुछ जाना जा सकता है। एक अनित्य अनुमान है लौकिक की चीजों के लिए वन्य धूमादि के लिए, और जो आंतरिक चीजें हैं अदृष्ट वगैरह उसके लिए नित्य अनुमान कर लेंगे। अनित्य अनुमान अतिरिक्त अनुमान वेद्य है, वेद्य होने के नाते इति साधनात ऐसे अनिश्चित सिद्ध करने से आभास समान योग क्षमता आपके जो उसको प्रतिष्ठित कर रहे हैं वही सम्मान से क्या है अनुमान, अनुमान सिद्ध हो गया, इसे आभास समान योग्य हो गया आपका। अनित्य प्रत्यक्ष वेद्यत्व बाद का भावच, और दूसरा अनित्य प्रत्यक्ष के द्वारा इसको वेद्य मानने में कोई बाधक भी नहीं है। एक नित्य प्रत्यक्ष साक्षी क्यों सिद्ध करना चाहते हो आप, अनित्य प्रत्यक्ष मैंने मानस प्रत्यक्ष, मन आत्म संयोग हुआ प्रत्यक्ष हुआ सुख दुख इच्छा आदियों का, मन तो योग हो गया तो शुद्ध की चक्र प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, अनित्य प्रत्यक्ष होना ही है, मैंने मानस प्रत्यक्ष को अनित्य प्रत्यक्ष करते हैं। अनित्य प्रत्यक्ष जो हम लोग कह रहे हो साक्षी को, और हम लोग भी मानते हैं अनित्य प्रत्यक्ष मानस को, लेकिन मन वेद्य मानते हैं सुख दुख आदि आत्मा का गुण रूपेण वो लोग तार्किक, और हम कहते नहीं नहीं वो आत्मा गुण है ही नहीं। सबसे पहली बात तो यह है वो गुण कहाँ का है, अंतकरण का ही है, और जो अंतकरण का है स्वयं कर्तृत्व विरोध हो जाएगा, मन अपने ही को प्रत्यक्ष करे विषय कर रहे, इसे आपको मानना पड़ेगा, मन से भिन्न कोई प्रत्यक्ष करने वाले साक्षी की तरह साक्षी भाष्य हो जाता है। ये वेदांति की व्यवस्था है, हम भी मानस प्रत्यक्ष मानते हैं, लेकिन मानस प्रत्यक्ष सुख दुख आदि का नहीं, घटादियों का ही मानस प्रत्यक्ष होता है। पहले चक्षु ने ग्रहण किया और उसको अयम घटा करके अंतकरण ही निर्णय लेता है ना, निर्णय कौन करेगा ये घट है, आंग थोड़ा करता है, आंग तो विषय को पहुंचाता है अंतकरण को, ग्रहण करता है अंतकरण ही,
इसीलिए मानस प्रत्यक्ष हम भी मानते हैं, लेकिन सुख दुख आदि को मानस प्रत्यक्ष हम नहीं मानते। सुख दुख इच्छा राग द्वेष धर्म अधर्म, ये जो आप आत्मा का नौ विशेष गुण मान रहे हैं, वो आत्मा के नौ विशेष गुण हमारे यहाँ कहाँ है, अंतकरण में है। अंतकरण का वृत्तियाँ वो, और उनका प्रत्यक्ष करेगा वो साक्षी करेगा, खुद नहीं कर सकते वो। इसलिए परस्पर विरोध हो रहा है यहाँ पर। एक कह रहा है अनित्य प्रत्यक्ष से ही भाष्य है, दूसरा कहता है नित्य प्रत्यक्ष से भाष्य है। और नित्य प्रत्यक्ष भाष्यता के विरुद्ध में उसे अनुमान आभास खड़ा करके दिखा दिया, ये कोई जरूरी नित्य प्रत्यक्ष मानने की। और दूसरी बात वो यहाँ पर ठोक दिया, कहा कि भाई देखो अनित्य प्रत्यक्ष से सुख दुख आदि का भास नहीं होता, इसमें क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? माने मानस प्रत्यक्ष का विषय नहीं होगा सुख दुख आदि, ऐसे निर्णय कैसे लिया आपने? कोई बाधक है? कहते बाधा भावा बाध नहीं, बाधक कोई नहीं है। कहते अनित्य प्रत्यक्ष वेद्यत्व बाध का भावाच सुखादि विशिष्ट से आत्मना स्व आश्रित ज्ञान वेद्यत्व कर्म कर्तृत्व विरोध प्रसंगो बाध गति चेत। यदि आप कहेंगे सुखादि विशिष्ट आत्मा है और स्व आश्रित ही ज्ञान के तरह उसको मान लोगे, फिर तो कर्म कर्तृत्व विरोध हो जाएगा। आत्मा में आश्रित ज्ञान है, आत्मा में आश्रित सुख दुख आदि। तार्किकों के मत में आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान है, और आत्मा का गुण सुखादि भी है। मैंने आत्मा का एक गुण ने आत्मा के दूसरे गुणों को विषय कैसे करेगा? कि युगपत दोनों रहते नहीं ना, ज्ञान है तो इच्छा नहीं, इच्छा है तो ज्ञान नहीं, सब त्रिक्षणावस्था ही है। इच्छा उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, और इच्छा विषय ज्ञान बाद में हो रहा है बोल रहे हो है? इच्छा भी विषय को ज्ञान का विषय कौन बनाया, कौन बना रहे? कि जब आत्मा में इच्छा है तब ज्ञान नहीं, जब ज्ञान है तब इच्छा नहीं है। अब इन दोनों को एक दूसरे के विषय विषय भावेण जोड़ने वाला कौन है? आत्मा सक्रिय तो है नहीं, वो करे कौन करेगा? इनके पर से विषय विषय भाव से तो कौन करेगा? उसके लिए आपको इस अंतकरण मन से अलग कुछ मानना पड़ेगा, और साक्षी ही करता है। साक्षी ने ही क्या किया, इच्छा को भी देखा, और साक्षी ने ही ज्ञान को भी प्रकाशित, तो उस इच्छा को ज्ञान का विषय बना करके ज्ञान का प्रकाशन करना है। तब क्या कहते अमुक इच्छा का अनुभव, इच्छा वाला मैं हूँ आप कहते हो। कैसे आपने कहा अनुमुख इच्छा वाला कैसे बन गए आप? मैंने आप अपने अंदर हुई इच्छा को भी जान रहे हैं और अपने आप को भी जान रहे हैं। कौन है वो जो आपको भी प्रकाशन कर रहे, इच्छा वाले को भी और इच्छा को भी? इसलिए आपके इस अंतकरण से अलग, साक्षीकर्ता से अलग, प्रमाता से अलग साक्षी मानना चाहिए। कर्म कर्तृ विरोध भी हो जाएगा। कहते स्वरूप मात्रे न कहेंगे, उसने कहा एक देशी ने सुखादि विशिष्ट आत्मना स्वाश्रित ज्ञान विद्यते, स्वाश्रित ज्ञान का विद्य मान लोगे तो कर्म कर्तृत्व विरोध की प्रसक्ति हो जाएगी, यही सबसे बड़ा बाधक है। कहते बाधक नहीं कह सकते चेत मैवाम, क्यों? क्योंकि जो है स्वरूप मात्रेण ग्राहक से विशिष्ट स्वरूप कर्मत्व भी अविरोधा आ गया ना, आपकी बात कह रहा। पूर्व पक्ष कहते आपको भी वेदांत को मानना ही पड़ेगा, स्वरूप मात्र से वो ग्राहक बनेगा, अंतकरण स्वस्वरूपेण ग्राहक है और विशिष्ट रूपेण सुख गुण विशिष्ट ज्ञान गुण विशिष्टत्व लोगे वो हो जाएगा ग्राही बन जाएगा कर्मत्वे अविरोधात। कि अन्यथा त्वन मत्ये देखो, नहीं तो आपके मत में भी कर्तृत्व कर्णत्व और एकत्र समावेश न स्यात्। कर्तृत्व और कर्णत्व का एक जगह समावेश कैसे करोगे आप? आप कर्ता किसको मानते हो? साक्षी को नहीं मानते, अंतकरण ही आप क्या कर्ता है और अंतकरण ही कर्ण भी है, तो कर्तृत्व कर्णत्व कैसे एक में आ गया? आपको वहां कहना पड़ेगा कर्तृत्व स्वरूपेण और कर्णत्व विशिष्ट रूप से। यहां दे रहे तो मतलब कर्तृत्व कर्णत्व और एक समय सम्यते ही केवल आया पुते कर्णत्व आत्मविशिष्ट रूपेण जो कर्तृत्व, क्योंकि आप यह स्वीकार करते हैं केवल जो बुद्धि है जड़ात्मिका वो कर्ण है, और चैतन्य से विशिष्ट जब होती है वही बुद्धि में कर्तृत्व आ जाता है। अविद्या विशिष्टस्य साक्षित्वम केवल विद्यायाश्च साक्षित्वमिति च स्वीकारात्। क्योंकि आप यह भी मान रहे हैं अविद्या विशिष्ट क्या है? साक्षी आ गया ना। अविद्या विशिष्टस्य साक्षित्वम केवल अविद्या साक्षित्वम, केवल अविद्या विषय है, अविद्या से विशिष्ट हो जाता है साक्षी, वो उसका प्रकाशक बनता है। मैंने अविद्या का वृत्ति के लिए बिना साक्षी भी किसी को प्रतिष्ठित कर नहीं सकता।
कि आपके सिद्धांत को ही वो सुना रहा है वो, आप भी केवल अविद्या और अविद्या विशिष्ट दो चीज मानते हैं। केवल अविद्या स्वरूपेण क्या हो गई, साक्षी हो जा रही है, और अविद्या विशिष्ट जो साक्षी है उसके अंदर आप क्या है साक्षी बने कर्तृत्व आ रहा है, इसीलिए आपको ये बात मानना ही पड़ेगा आपके सिद्धांत यही है। इतना ही नहीं हमारे श्रुति प्रमाण भी है, कर्तृकर्म का कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि कहा है ब्रह्म वैदम अग्र आसीत तद आत्मानम एव अवेद, आत्मानम एव वह ब्रह्म ने क्या किया खुद को जाना, मैंने कर्तृकर्म को माना कि नहीं माना, आपने ब्रह्म करता है उसने जाना किसको खुद को, तद ब्रह्म आत्मानम एव, ब्रह्म क्या हो गया तत्शब्द से कर्ता और आत्मानम कर्म, कर्तृकर्म विरोध हो गई है श्रुति को स्वीकार है फिर तो कर्तृकर्म विरोध, फिर आप क्यों नाराज हो रहे हैं हमारे पर दोष क्यों दे रहे कर्तृकर्म विरोध का, ये श्रुति ही कह रही है कर्तृकर्म विरोध होने पर भी इसको आपको समन्वय करना है। तिज आत्मनैव वेद्य वेदक भाव श्रवणात् प्रमाणवत्वेन विरुद्धस्यापि अभ्युगमे, यदि आप कहोगे श्रुति कह रही इसलिए वहां तो मान लेंगे, तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे श्रुति की मान लेंगे, तब कहते ठीक है यदि प्रमाण होने के कारण से विरुद्ध होने पर भी आप स्वीकार करते हो तो प्रकृति भी अहम सुखित अनुभव सद्भावात, अहम सुखी अनुभव के सद्भाव की वजह से नाश हो दंडवारिता, यहाँ भी स्वीकार करना पड़े कर्म कर्तृ विरुद्ध या नहीं कह सकते, इसका दंडाय माना वार कड़ा नहीं हो सकता, भगा दो ये बात हम ढट पर कहो केवल मैं नहीं मानता नहीं मानता ही नहीं चलेगी, स्वीकार करना होगा। एते न सुखादि प्रतिपत्ति अनुतापत्तिरपि साक्षी सिद्ध हो, सुखादि की प्रतिपत्ति की अन्यतानुपत्ति के आधार पर आप साक्ष्य को सिद्ध करना चाह रहे थे वेदांति एकदेशी प्रमाणम इति परास्तम, वो अन्यथा सिद्धि जो अर्थापत्ति प्रमाण को भी खंडन करता है, क्यों अन्यथाप्य उपपत्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति नहीं है अन्यथापि उपपत्ति है, कैसे अन्यथापि उपपत्ति है समझा रहा है, न च व्यभिचारीकरण चिन्ह ज्ञानानाम चैतन्य रूपम अनुगतम अनुसंधातार मंत्रेण प्रतिसंधान उपपत्ति ही प्रसन्न अनुपत्ति साक्षिणी प्रमाणम भवति, क्योंकि व्यभिचारी कर्ण जन्य ज्ञान नाम, कर्ण कौन है चक्षुरादि कर्ण, व्यभिचारी है कभी हम कान से सुन रहे हैं कभी नाक से जो है सूंघ रहे हैं कभी आंख से देख रहे हैं, अलग अलग कर्णों से अलग अलग काम हो रहा है, कर्ण जन्य ज्ञान व्यभिचारी ज्ञान परस्पर एक दूसरे के, इसे कहते व्यभिचारी कर्ण जन्य ज्ञान नाम चैतन्य रूपम अनुगतम अनुसंधातार मंत्रेण, चैतन्य कोई अनुसंधान करने वाला एक तत्व को स्वीकार बीच में किए ही प्रतिसंधान अनुपत्ति, उनका परस्पर संबंध करके अनुसंधान करना कि रूप देख रहा है उसके अगर बोल कौन रहा है वाणी, ये अनुसंधान कौन करेगा, जो मैंने देखा वही मैं बोल रहा हूँ, ये एक दूसरे को संबंध जोड़ करके अनुसंधान करके एक दूसरे के साथ कहने वाला कौन है, कोई चैतन्य तो मानना पड़ेगा, जड़ तो नहीं कर सकते काम, इसीलिए प्रतिपसंधान अनुपत्ति ही साक्षिणी प्रमाणमिति न च, ये तादृश जो है प्रसंधान की अनुपत्ति साक्षी में प्रमाण है ऐसा मत कहो, क्यों ज्ञान नाम स्वयं प्रकाशत्वात्, ज्ञान तो जड़ नहीं है वो तो स्वयं प्रकाश है, ज्ञान नाम स्वयं प्रकाशत्वात् तद आश्रित सिद्धस्य स्थिरस्य आत्मना, उसका आश्रय रूपेण हमने सिद्ध स्वीकार किया है आत्मा को, ज्ञानाधिकरण आत्मा, वो आत्मा स्थिर है ज्ञान अस्थिर है, स्वप्रकाश भी है वो, स्वप्रकाश होते हुए भले अस्थिर है, एक स्वप्रकाश होने का नित्य होना कोई जरूरी नहीं है, सूर्य को स्वप्रकाश मानते हो भी अनित्य है, दीपक भी स्वप्रकाश है दूसरे दीपक से प्रकाशन करने की जरूरत नहीं है वो भी अब मानते हो स्वप्रकाश, दृष्टांत देते हो प्रदीपवत स्वप्रकाश के लिए, सी जो स्वप्रकाश है वो नित्य होना कोई जरूरी नहीं है, जो नित्य स्वप्रकाश है कोई जरूरी नहीं है, क्या हम तो नित्य आकाश को मानते हैं वो स्वप्रकाश है नहीं जड़ है, और ज्ञान स्वप्रकाश है वो हमारे यहाँ नित्य है, से नित्यत्व स्वप्रकाश का परस्पर कोई व्याप्ति नहीं, यद्य नित्यम तत्व स्वप्रकाशम, यद्य स्वप्रकाशम तत्व नित्यम, ये कोई आप रट नहीं सकते व्याप्ति, इसलिए उनका कहना है कि देखो ज्ञान नाम स्वयं प्रकाशत्वात् और तद आश्रित्य सिद्धस्य, उस ज्ञान का ही आश्रय रूप में सिद्ध है स्थिर है ऐसा हम आत्मा को मानते हैं, जो पूर्वोत्तर कालीन ज्ञान अनुसंधान पत्ते है, जो कि पूर्वोत्तर कालीन ज्ञानों को आत्मा ही अनुसंधान करा देता है, अरे आत्मा तो तुम्हारे द्रव्य जड़ है कि कोई नहीं, जब ज्ञान से जुड़ता है तो चेतन आ जाती है, आत्मा चेतन होकर के दोनों अनुसंधान कर लेता है ज्ञान व साथ, स्वप्रकाश ज्ञान जब आत्मा में पैदा होता है तब आत्मा में चेतनता आती है,
अच्छा ज्ञान विशिष्ट आत्मा चेतन हो गया, चेतन होने से वो अनुसंधान कर लेगा, इच्छा को, प्रयत्न को, ज्ञान को, सबके एक दूसरे का क्या लेके इंद्रियों के परस्पर ज्ञानों को भी सबका अनुसंधान करके एकत्र व्यवहार कर लेगा। तार्किकों के मत में कहीं आत्मा स्वप्रकाश नहीं कहा गया। आत्मा में जब मन का संयोग होता है तो ज्ञान उत्पन्न हुआ ना, ज्ञान चेतन होता है, उत्पन्न हुआ तो उतार ज्ञान विशिष्ट आत्मा हो गया, अभी ज्ञानाधिकरण है वो, तो आत्मचेतन हो जाता है, उतने काल तक चेतन हो गया। इसलिए उनका क्या मानना है कि निर्विषय ज्ञान होता ही नहीं, हमेशा सविषय ज्ञान होते रहता है 24 घंटा, एक क्षण भी ऐसा नहीं जो ज्ञान से रहित आप हो। किसी न किसी विषय को लेकर ज्ञान है, क्या सो रहा हूं करके ज्ञान वही ज्ञान है, लेकिन है तो ज्ञान हो भी, और मन और आत्म सहयोग से हो रहा है निरंतर। मन जब जागृत विषय को लेकर संबंध कर रहा है तो अयंगठ ज्ञान हो गया, स्वप्न विषय को संबंध करता है तो उस तरह का ज्ञान कर लेता है वहां के पदार्थों का। शिशुद्ध अविद्या और सुख को लेकर वह संबंध कर रहा है मन आत्मा के साथ, जिसे तादृश ज्ञान वहां और निरंतर पैदा हो रहा है। मतलब कौन सी क्षण ऐसा है जहां ज्ञान नहीं होता हो? आप मूर्छित थे, उस मूर्छित होने का भी आपको ज्ञान रहता है, तभी जगने के बाद बोलते भाई इतनी देर तक मूर्छित था, कौन जाना उसको, दूसरे के कहने पर छोड़ो। कई बार जब पाठ में सो रहे हैं, आप सो रहे थे, हम नहीं सो रहे थे, हम तो सुन रहे थे, मस्ती हो रहे थे, और मना कर दे क्या कर लोगे आप, उसको मालूम है सो रहा था या नहीं सो रहा था, खुद ही जान पाएगा, कोई दूसरा नहीं जान सकता, बता नहीं सकता, बाहरी चीज को लग के सके। इसे इनका कहना है कि देखो कि वो ज्ञान के कारण से ज्ञान से विशिष्ट होकर आत्मा चेतन हो गया, चेतन होकर वो आत्मा ही सुख ज्ञान आदि सारे परस्पर एक दूसरे का अनुसंधान कर लेता है। पूर्वोत्तर कारण ज्ञान अनुसंधान उत्पत्ति है, एतेन प्रमात्र प्रमाण प्रिय प्रतीति अन्यथान उत्पत्तिरपि परास्ता। इसे जो एक और युक्ति दिया था एकदेशी ने, प्रमाता प्रमाण और प्रमेय इनकी प्रति त्रिपुटी के अन्यथानुपत्ति के कारण से भी हमको जो है साक्ष्य अलग मानना ही चाहिए। तो कहते ये नहीं कह सकते, त्रिपुटी प्रत्यक्षवादे, त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद किसका है, प्रभाकर का। प्रभाकर का मानना है प्रमाण प्रमेय प्रमाता तीनों एक साथ प्रत्यक्ष हो जाता है, तो त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद घटम हम जाना मिति तृतीय प्रतिभास उत्पत्ति है, तीनों के एक साथ प्रतिभास अनुपन्न है उनके मत में। नापि साक्षी चेता केवल निर्गुणश्चित्यागम प्रमाणम, ये एक देश ने कहा था साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, ये आगम श्रुति का प्रमाण है, इसकी इसके वजह से आपको साक्षी को अलग मानना पड़ेगा। स्पष्ट बोला है ना, साक्षी शब्द आया है 6:11 वही पहले आया था श्वेता श्रोत्र का, साक्षात ईक्षते इति, साक्षी शब्द का अर्थ क्या है, साक्षात ईक्षते इति साक्षी, ऐसे व्युत्पत्ति कर दूंगा। साक्षी शब्द कह रहा है कोई ऐसा शब्द नहीं है जो साक्षात ईक्षते इति साक्षी ऐसे बना। साक्षात का तात्पर्य क्या है वहां पर, इंद्र निरपेक्ष, इंद्र निरपेक्ष प्रत्यक्ष कौन करता है, ईश्वर करता है। अपान पादो जवनो ग्रहिता पश्यत्य कर्ण ने पश्यत्य चक्षु श्रोत्य कर्ण इत्यादि जो श्रुति है, इसे कहते हैं हम साक्षात ईक्षते ऐसी व्याख्या करके हम कहाँ ले जाएंगे, ईश्वर में। इति ईश्वर से सर्व अप्रोक्ष दर्शन प्रतिपादनात्, सर्व अप्रोक्ष का दर्शन करने वाला हम ईश्वर का हम प्रतिपादन मानते हैं यहाँ पर, हम का साक्षी से इन जीवों में से पहले लोग साक्षी तत्व को हम नहीं मानते, ये साक्षी तत्व को हम नहीं मान रहे हैं, हम जो मानते साक्षी शब्द का अर्थ ईश्वर। तदेव न साक्षी न सिद्धा, इस प्रकार से आप साक्षी को भी सिद्ध नहीं कर सके, सिद्धों भी यदि आप मान लो साक्षी को अलग सिद्ध भी कर लोगे, न साक्षा नाम धर्मत्व क्षति ही, फिर साक्षियों को उसका धर्म मानने में कोई क्षति नहीं होगी, क्योंकि आनंदो विषयानुभव नित्यत्वं चेति संधि धर्मा पद पदाचार्य पंचपादिका में, यदि साक्षाणाम अपि तद्धर्मत्व स्वीकारात, ऐसे साक्ष्यों को भी उसका धर्म के ही रूप में स्वीकार स्वयं आपके आचार्यों ने किया है, हमें करने की क्या जरूरत है। किंच आकाश विशेष गुण व्यापक द्रव्यान्य द्रव्यत्वाद घटवति अनुमानादपि आत्मनाम सुखादि विशेष गुणवत्व सिद्धि ही, हम ऐसे अनुमान के द्वारा भी आत्मा को सुखरूपी गुण वाला सिद्ध कर देंगे,
कैसे कहते देखो आकाश विशेष गुणवद व्यापक द्रव्य अन्य विशेष गुण व्यापक द्रव्य कौन है आत्मा उससे अन्य है या आकाश यही लेना है उसने द्रव्यत्वात् घटवत वहां पर विशेष व्यापक द्रव्य हो गया वहां पर भी आत्मा उससे अन्य घट मिले जाएंगे वह गंधा विशेष गुण लूंगा या शत्रु विशेष गुण लूंगा पक्ष में घटाने के लिए इस तरह से विशेष गुण वाला आत्मा सिद्ध हो गया विशेष गुण वाला आत्मा है व्यापक द्रव्य आत्मा है सिद्ध हो गया कौन से विशेष गुण है उसमें सुखादि ये रूपादि तो अन्यत्र है ये प्रसिद्ध है ये सुखादि को महात्मा गुण मानना पड़ेगा ये सिद्ध का इस तरह से द्रव्यत्वाद घटवित अनुमानादपि आत्मनाम सुखादि विशेष आत्मा में सुखादि विशेष रूप को लेकर के गुणवत्व की सिद्धि हो जाएगी तथा च इसीलिए तद्व्यवस्थातः माने सुख दुख की तारतम्यता किसको सुख कोई सुखी है कोई दुखी है इसको देखते हुए तेषा माने आत्मनाम नानात्व सिद्धि साथ आत्मभेद सिद्ध हो जाता है अद्वैत सिद्ध नहीं होता द्वैत सिद्ध ये पूर्व पक्षी कहता है यहाँ तक पहले टीका देखिए अतः तार्किक प्राय ईश्वर इति अनिश्वरवादी तो आभासमान योग क्षमता महा अनिश्वरवादी जो है आभासमान योग क्षमता दे करके आपके साक्षी साधक अनुमान का खंडन करता है अनिश्वर इति शक्यते नित्य में भी किंचित अनुमानम ऐसा भी हम कुछ अनुमान कर ही सकते जो नित्य हो उस अनुमान को काट ही ना हो एवं साधी तुम और उसके द्वारा हम इस प्रकार सिद्ध कर ही सकते हैं योगक्षम बराबर हुई आप नित्य प्रतिष्ठित कर रहे हैं हम नित्य अनुमान सिद्ध कर देंगे विपक्षे बाद का भावाच्छ शंकित अप्रयोजकता महा विपक्ष कोई बाधक भी नहीं है कि अनित्य प्रत्यक्ष वेद्य है ये सुखादि इसे कोई बाधक भी नहीं है कि अनित्य प्रत्यक्ष का विषय बन रहा है सुख क्यों नहीं सुख भी नित्य नहीं है ना इसे स्पष्ट है जब तक हमको सुखानुभव हो रहा है तब तक सुख का प्रत्यक्ष है फिर दुख आ गया तो सुख गया तो अनित्य प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ सुख का प्रत्यक्ष इसे कौन बाध सकता है इसको बाधक भी नहीं है इसके पास ये कह रहा अनित्य ते न केवल अस्मन मत एवं गति केवल हमारे मत में गति नहीं विशिष्ट और स्वरूप को अलग अलग करना हम स्वरूप को कर्ता मानते हैं विशिष्ट को कर्ण मान लेते हैं ये तो उसने कहा था ना स्वरूप मात्र ग्राहक से विशिष्ट रूपेण कर्मत्व अभी अविरोध आपने कहा था आप एक विपरीत आप क्या है अविद्या स्वरूप तक क्या है साक्षी हो जाता है और विशिष्ट होकर के कर्ता हो जाता है ठीक विपरीत है उनका उनके स्वरूप तक कर्ता मानते हो आत्मा को और विशिष्ट रूप में ना साक्षी भी हो जाता है और हमें ठीक अविद्या को लेकर विपरीत हो जाता है अविद्या स्वरूप तक साक्षी है विषय बन जाता है और विशिष्ट रूप में ना अविद्या विशिष्ट चैतन्य साक्षी होकर के कर्ता हो जाता है इसे कर्ता और कर्ण एक में आ सकता सामान्य विशेष भाव से वो कहते यत स्वरूपेण ग्राहकत्व सुखादि विशिष्टाकार ग्राह्यत्व ये हमारी गति जो क्या है बता दिया स्पष्ट स्वरूपेण मैं ग्राहक मानता हूँ और विशिष्ट रूपेण ग्राह्य मानता हूँ इति अनुपहित उपहित भेद आश्रय ना एक अनुपहित है दूसरा उपहित है ये भेद को आश्रय करके विश्व व्यवस्था देनी पड़ेगी आपको वैसे करना पड़ेगा भवतोपि एवं विध भेद आश्रयमेव कुछ क्षरणाम आपको इसी प्रकार कोई ना कोई भेद को स्वीकार करोगे तभी सारी व्यवस्था आप भी दे पाएंगे जैसे अन्यथा आत्मिक अध्यस्त बुद्धि ही प्रमाता कर्ता इति बुद्धि थी ये आपके नियम है आत्मा के साथ ऐक्यता से अध्यस्त जो बुद्धि है आत्मा के साथ ऐक्यता से अध्यस्त जो बुद्धि है उसमें आप कर्तृत्व मानते हो और केवल बुद्धि क्या हो जाएगी साक्षी का विषय साक्षी क्योंकि जो चैतन्य तार्ज विशिष्ट जो चैतन्य है वो क्या करेगा इस अविद्या और अविद्या के कार्य को प्रकाशन करेगा ये सब साक्षी कोटि में आ गए इसलिए विषय अविद्या इति उदाहरणांतरम अविद्या इति निर्विकल्प के चैतन्य से सर्वसाक्षित्वाद विकल्प अभावाद अविद्या विशिष्ट से साक्षित्व इत्यर्थ क्योंकि निर्विकल्प चैतन्य को आप जो सभी का साक्षी मान कैसे सकते वहाँ विकल्प है नहीं सभी को जान रहा है सबका हिसाब किताब भी अलग अलग रख रहा है ये क्या पुण्य पाप कर रहा है वो क्या पुण्य पाप कर रहा है हर चीज़ का हिसाब किताब कैसे रखेगा निर्विकल्प है तो चैतन्य निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल है वो तो कुछ कर नहीं सकता करेगा तो कौन करेगा विशिष्ट ही तो करेगा तुम्हारे मत में भी ये देखो पूर्व पक्ष कैसे पकड़ता है निर्विकल्प चैतन्य से सर्वसाक्षित्वादि विकल्प अभाव अविद्या विशिष्ट से साक्षित्व अविद्या विशिष्ट को आपको साक्षी मानना पड़ेगा
श्रुतिरूपी आत्मा ग्राही ग्राहकता दर्शेती, श्रुति में भी एक ही आत्मा में ग्राही और ग्राहकता दोनों को ग्रहण कर दिया। तत् आत्मा नमेव अवेत, कर्ता और कर्म एक में ग्रहण कराया है। ननु तत्रत श्रुत्यादि एव तथात्व प्रमाणम इति निवृत्त, अरे वह श्रुति थी, श्रुति जो भी कहती उसको हम प्रमाण मानते हैं। श्रुति जिन विषयों में कर्म कर्तृ का अविरोध कह रही है वहां पर हम मान लेंगे, जिसमें श्रुति प्रमाण नहीं है उसमें कर्म कर्तृ विरोध करके उसका खंडन कर देंगे, स्वीकार नहीं हो उपद पदार्थ। वही कह रहे हैं कि भाई ये ननु तत्रत श्रुत्यादि एव तथात्व प्रमाण इति न विरोध, इसे वह विरोध हम नहीं मानते। तरी अत्र समान इति परति, फिर तो हमारे विषय में भी समान है, इसे भी श्रुति प्रमाण में दिखा चुका हूँ प्रमाण इति। एवं प्रत्यक्ष अनुमान साक्षी ने दूषित्वा, इसे प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों का खंडन करके अब अर्थापति खंडन करना आरंभ करता है ये तेन इत्यादि से। अन्यथा पीति मानस वेद्यपि विरोधाभाव से उक्तत्व, उसका मानस वेद्य मानने पर भी कोई दोष नहीं, क्यों साक्षी वेद्य मानते हो? मन ही आत्मा विद्वान सुख का प्रत्यक्ष कर देगा, मानस प्रत्यक्ष के विषय मान लो सुखादि को, जैसे आत्मा और मन संयोग से आत्मा मन को प्रत्यक्ष कर लेता कि नहीं, तभी आप कहे ना मेरा मन खराब है मेरा मन अच्छा है, कैसे जाना अपने अपने मन की स्थिति को? आत्मन संयोग से अब मन को आत्मा ने अनुभव किया तो उस मन के बारे में आत्मा बोलता है, हमारे ज्ञान के अंदर प्रकाशित करता है। इस सब कुछ मानस प्रत्यक्ष विषय मानने से काम चल जाता है। मानस वैद्यपि विरोधाभाव से उक्तत्वात् ननु चक्षुरादि परस्पर व्यभिचारीकरण जन्यानि यानि ज्ञानानि तेषु जानामि जानामि इति अनुगत कश्चित अनुसंधात तावत् प्रमीयते। चक्षुरादि परस्पर व्यभिचारीकरणों के द्वारा उत्पन्न के अलग अलग जो अयंगटादि जो ज्ञान है उन ज्ञानों को मैं इसे भी जानता हूँ इसे भी जानता हूँ इसे भी जानता हूँ ऐसे कहने वाला, सबका अनुसंधान करने वाला एक इन सबसे अलग वस्तु को मानना चाहिए। सच स्फुरन्नेव अनुसंधात मरुति, वह चैतन्य होकर के अनुसंधान कर पाएगा, बिना चैतन्य अनुसंधान नहीं हो सकता, पौर्वापर चिंतन करके ग्रहण संबंध करना संभव नहीं है। इतरता जाना भी त्यौहार निष्पत्त है, फिर जाना व्यवहार भी नहीं बनेगा यदि चेतन ना हो तो, जाना भी कौन कहेगा, चेतन तो कहेगा। न चित्त से ज्ञानांतर तहा स्मरणम, और उसको ज्ञानांतर से उसका प्रकाशन हो जाएगा, ऐसा मत कहो अनवस्था भयात, अनवस्था हो जाएगी, एक ज्ञान का प्रकाशन दूसरा दूसरे को तीसरे से। तस्मात यह स्वप्रकाश सकल स्वांत वृत्ति अनुसंधाता साक्षी सो अर्थापत्ति सिद्धि, इसीलिए वेदांत का कहना है जो तस्माद यह जो स्वप्रकाश होगा और सकल स्वांतर वस्तुओं को बोल करावेगा उसका नाम साक्षी नाम का जिससे सिद्ध हो जाता है। अथवा यदम व्यावृत्त ज्ञानेशु अनुसंधान रूप मद्राक्षम इत्यादि तस्वर्ण मंत्रण न घटते, ये जो व्यावृत्त होकर के अनुभव में आ रहा है, व्यावृत बने अयम घट अयम पट अयम पट इत्यादि अलग अलग ज्ञान हो रहा है कि नहीं, इन सकल अलग अलग ज्ञानों में अनुसंधान करता हुआ इदम भी मया इदम अहम अद्राक्षम इदम अहम अद्राक्षम इदम अहम अद्राक्षम, प्रत्येक के साथ अद्राक्षम जुड़ रहा है, मैंने इसको घट को देखा पट को देखा मट को देखा 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 देखा, कौन कह रहा है, जो कह रहा है उसी का नाम साक्षी। इस तरह से भी प्रत्यक्ष अनुभव से भी सिद्ध हो सकता है, ये कह दिया एक देशी ने। ते सत् स्वर्ण मंत्र यह जो है स्वर्ण मंत्रण न घटते अनव्यवसायश्च नोत्पन्न तत्सत्तम च विप्रतिपन्नम, और अनव्यवसाय भी उत्पन्न नहीं हो पाएगा। अहम जानामि अहम इदम जानामि घटम अहम जानामि ये अनव्यवसाय भी नहीं उत्पन्न हो पाएगा। तत्सत्तम च विप्रतिपन्नम, क्योंकि उसके सत्व में विरोध हो जाता है। अतः तत्तद् वृत्ति साधक साक्षी अर्थापत्ति सिद्धा, तत्तद् वृत्ति के सिद्ध करने वाला साक्षी अर्थापत्ति सिद्ध हो जाएगा इति एक देश ने जब कहा तत्र न च व्यभिचार इत्यादि ना। अत्र स्वरत अनुसंधात्रा ही भवितव्यम तच्च संविद्ध आश्रयत्वेनापि संभवति, स्फुरण वाला ही अनुसंधान होना चाहिए ये तुम्हारा सिद्ध करने का मतलब है, कोई चैतन्य होना चाहिए, वो आत्मा को क्यों नहीं मान लेते हो? कहते देखो अतः तच्च संविद आश्रित्व न, अरे आत्मा तुम्हारा जड़ है वो चैतन्य कैसे हो गया? कहते संविद आश्रित्व न, संविद आश्रित्व ना भी आत्मा को क्यों नहीं मान लेते हो, आत्मा से लेकर साक्षी क्यों मानते हो? ये जो जीवात्मा है ज्ञान का आश्रय है
ये ज्ञान के आश्रय होते ही क्षण वो चेतन हो जाता है। वो भी जैसे बल्ब लाइट दे रहा है, लाइट कौन दे रहा है? बिजली का संबंध हुआ ना। इसे आत्मा मन के से संबंध करने से वहाँ ज्ञान पैदा हो गया, ज्ञान आते ही आत्मा में चेतनता आ गई। वो आत्मा ही उस ज्ञान को स्वयं चेतना प्रदान करने वाला, ज्ञान को और ज्ञान का विषय को सबको प्रत्यक्ष कर देंगे। ये कहता है न च अनवस्था, या अनवस्था तो ज्ञान नहीं दे सकते, तस्या स्वप्रकाशत्वाद इति प्राभाकर परिहर्ति, क्योंकि ज्ञान भी स्वप्रकाश होने से ज्ञानानामिति। तार्किक पक्ष हेतु, और जो तार्किक लोग स्वप्रकाश नहीं मानते उनका क्या होगा? तो पूर्वोक्त रीत्या वृत्ति विरोधी परिहारेण मानस प्रत्यक्ष आदि परिहर्तव्याम। पूर्वोक्त रीति से वृत्ति विरोध का परिहार काल में जो बता दिया था, मानस प्रत्यक्ष विषय कर दो तब भी काम चल जाएगा। किंच साक्ष्य से साक्ष्य धर्मत्व न घटते, और साक्ष्य स्वयं साक्ष्य का धर्म हो जावे ये कभी नहीं हो सकता। मैंने सुख दुख आदि साक्ष्य का धर्म ये नहीं हो सकता, क्यों? बल्कि आपने माना है, लेकिन इति वक्तुम एव न शक्यते, न घटित वक्तुम एव न शक्यते। तो आपको मानना पड़ेगा साक्षी वस्तु साक्षी का ही धर्म है, क्योंकि आपके आचार्य ने कह दिया पंचपादी विरोधादित्य, पंचपादी का साथ विरोध हो जाएगा सिद्ध हो गई थी। साक्षी रूप से आत्मा विशेष गुण धर्मत्व अपनी अनुमान माह, और साक्षी रूपी आत्मा का विशेष गुण रूपी धर्म वाला होता है, इसमें अनुमान भी प्रस्तुत करते हैं पूर्व पक्ष किंच इत्यादि से। द्रव्याण्य इत्युक्त ये हम इतना ही जो है साध्य बनाते थे द्रव्याण्य, तो घटादि अन्यत्व अर्थांतर था, घटादि का अन्यत्व पटादि में अर्थ जो लक्षण चला जाएगा अर्थांतर दोष हो जाएगा। तदर्थ व्यापक द्रव्याण्य इत्युक्त व्यापक द्रव्याण्य कह दो, तथापि कालधिगण्यत्व अर्थांतरता, क्योंकि आपने का व्यापक द्रव्य, व्यापक द्रव्य आप एक ले लो आकाश, और उस व्यापक द्रव्य से अन्य कौन हो जाएगा? काल दिग भी हो जाएंगे लक्षण, तब भी अतिव्याप्ति हो गया अर्थांत। तदर्थ विशेष गुण बोध कह लो, अब काल दिग कैसे हैं? विशेष गुण वाले नहीं है, अतिव्याप्ति दूर हो गया। तो विशेष गुण वाला व्यापक जो द्रव्य है उससे भिन्न आकाश है, पक्ष है ना आकाश, आकाश क्या है? कहते हैं भाई विशेष गुण कौन है आकाश में? शब्द। इसे हम कहेंगे देखो आत्मा विशेष गुण कौन है? ज्ञान आदि विशेष गुण व्यापक द्रव्य, माने ज्ञान सुख आदि विशेष गुण विशिष्ट व्यापक द्रव्य हो गया आत्मा, उसका अन्य हो जाएगा आकाश और घट, दोनों जगह लक्षण चला जाएगा कि आत्मभिन्नत्व है दोनों में, आकाश में भी है घट में भी आत्मभिन्नत्व है। और हेतु कह दे दिया उसने भाई द्रव्यत्वात्, द्रव्य होने से घट के समान द्रव्यानि इत्युक्ते यस्माच्च विशेष गुणवतो द्रव्याद् आकाश अन्य है ना, जिसलिए विशेष गुण वाला द्रव्य कौन है? आत्मा, उससे भिन्न आकाश है जो स आत्मा, वो आत्मा ही होगा। आकाश से पक्षत्वेन तद अन्यत्व स्वभावात्, आकाश खुद पक्ष है वो अन्यत्व रस ग्रहण नहीं कर सकते आप। घटे तो आकाश अन्यत्वेन इति साध्य सिद्धि ही, और घट में भी क्या है? आकाश अन्यत्व सिद्ध हो जाएगा। अच्छा साध्य से प्रसिद्ध हो जाते हैं तो इस अनुमान से भी आत्मभेद सिद्ध हो गया। आत्मा को पहले सिद्ध किया अनुमान ने, क्या किया? आत्मा को विशेष गुण वाला सिद्ध करा, और विशेष गुण कौन से? सुख दुख आदि। और सुख दुख में हम क्या देख रहे हैं? यहाँ लोग हमें भेद देख रहे हैं, इसलिए सुख दुख आदि का आत्मा भी भेद मानना पड़ेगा। सुख दुख के तारतम्यता को देखने से सुख दुख वाला क्या होगा? आत्मा, वो भी भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा, नहीं तो सुख दुख में भेद नहीं हो सकता। एक ही आत्मा सर्वत्र होगा, एक को सुख हो गया तो सबको सुख हो गया, पहले दोष दे चुके हैं। सकल उपाधि में सुख अनुभव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब इसे खंडन में सिद्धांति आरंभ करता है, यहाँ तो पूर्व पक्ष चला सिद्धांति समाधातु उपक्रमते अत्रोच्यते यत्तादुक्तम सर्वज्ञता ब्रह्मणो ना विद्या इति तदयुक्ता। ये जो उसने कहा था कि सर्वज्ञ होने के नाते ब्रह्म अविद्या का आश्रय नहीं हो सकता, विरोधार्थ व्याघात हो जाएगा, वो सर्वज्ञ भी है और अविद्या भी है वहाँ, ये कैसे होगा? प्रकाश और अंधकार एक साथ जैसे नहीं हो सकता, अविद्या अविद्या ब्रह्म ज्ञान रूप ब्रह्म एक साथ नहीं हो सकता। इसे कहते हैं ये तावदोक्ताम, उसने शुरू में जो आरंभ किया सर्वज्ञ होने के नाते ब्रह्म में अविद्या नहीं हो सकती, ये बात उसने कहना ठीक नहीं। यतः क्योंकि जो है स्वरूपतः श्लोक आरंभ होता है स्वरूपत प्रमाणैर्वा सर्वज्ञत्वं द्विधा स्थितं तच्छोपयं विना विद्या संबंधम नैव सिद्ध्यति।
स्वरूपतैर प्रमाणैर्वा सर्वज्ञत्वं द्विधासितम्। सर्वज्ञत्व दो प्रकार से सिद्ध है, एक तो स्वरूपतः सर्वज्ञ होता है, एक प्रमाण के द्वारा सर्वज्ञ होता है। जैसे योगी है, योगी को भी आपने सर्वज्ञ कहा, सब कुछ जानने वाला है, लेकिन वो साधन करके प्रमाण द्वारा। और ईश्वर ब्रह्म सर्वज्ञ है, वो स्वरूपतः है। युक्तिंजान दोनों ही प्रमाणों के द्वारा ही होता है, स्वरूपतः कोई भी नहीं है। युक्त और इंजान में अंतर क्या है? युक्त को क्या है, 24 घंटा सब दिख रही है, और इंजान जब चाहेगा मैं देखूं तब देखता, इतना ही अंतर है। और ईश्वर इन दोनों से अलग है। ईश्वर किसी साधन से सबको नहीं जान रहा, युक्त भी साधन से जान रहा है, अपने मन रूपी साधन कर रहा है, इंद्रियों को इस्तेमाल करेगा, सबको देख रहा है, सबको जान रहा है, लेकिन दोनों ही प्रमाणाधीन है और ईश्वर प्रमाणाधीन नहीं है। इसलिए यहाँ स्वरूपतः कर रहे हैं उनके ही ईश्वर के लिए, और प्रमाणित करें उनके योगियों के लिए, ठीक। और कह दिया लेकिन वे भी कोई व्यवहार यदि करेंगे, किसके साथ जो संबंध करोगे ईश्वर का, ईश्वर अपने जगत पैदा करता है, सर्वज्ञ ईश्वर ही जगत क्यों पैदा किया? बिना अविद्या का किसी प्रकार का संबंध माने क्या ईश्वर को जगत पैदा कर सकता है? चाहे योगी ही सुनो, वह भी कोई चीज को निर्माण करेगा उस अविद्या का सहारा लिए बिना, अज्ञान का सहारा लिए बिना नहीं कर सकता। इसे कहते तच्चो भयम बिना अविद्या संबंधम, चाहे स्वरूपतः हो सर्वज्ञत्व चाहे प्रमाणत सर्वज्ञत्व हो, वो दोनों के दोनों अविद्या पे संबंध माने बिना नहीं वो सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं हो सकता। कि सर्वम जाना एक सर्वज्ञ कह रहे ना, ये वेदांती कह रहे हैं, सिद्धांत है ये। हम भी जो मान रहे हैं ईश्वर में सर्वज्ञत्व, वो अविद्या संबंध को लेकर के, न तो हम ब्रह्म को न सर्वज्ञ कहता हूँ, न उसको अल्पज्ञ, कुछ है नहीं, वहाँ कुछ बोलना ही नहीं है वास्तव में। उसको सर्वज्ञ कह रहा हूँ तो माया रूपी उपाधि को लेकर कह रहा हूँ, अल्पज्ञ कहता हूँ अविद्या रूपी वेष्टि उपाधि को लेकर कहता हूँ। बिना अविद्या के संबंध, माया के संबंध का न ईश्वर है न जीव है, दोनों ही नहीं बनता। स्वरूप प्रज्ञया अच्छे सर्वज्ञतम ब्रह्मणो अभिगम्यते तदा असंगस्य ब्रह्मणो न विद्या मंत्रेण अशेषार्थ संगतिरिति सर्वगत उत्पत्त्यर्थमेव सा अपगमनीया, है ना। स्वरूपत प्रज्ञ होने के नाते ब्रह्म के सर्वज्ञत्व तुम कहने लगो, चेत कह दिया स्वरूप प्रज्ञया चेत ब्रह्मण सर्वज्ञत्व स्वीक्रियते यदा तदा, तब आपके कहना पड़ेगा उस असंग ब्रह्म में सर्व का जानना ये संबंध कैसे हो गया? कहते असंग से ब्रह्मणो न विद्या मंत्रेण, अविद्या के बिना अशेषार्थ संगति सर्व के तो क्या है, सर्वम जानाति, तो सभी के साथ संबंध मानना पड़ेगा, सकल पदार्थों के साथ संसार के, और अविद्या के बिना उस असंग ब्रह्म का सकल पदार्थों का संबंध आप सिद्ध नहीं कर सकते। इसे आपको मानना पड़ेगा ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ने अविद्या को लेकर के सबके संबंध जोड़ा, तब ब्रह्म सर्वज्ञ हो गया। ऐसा अभिगमनीया इस अविद्या को स्वीकार करना ही होगा। इतना ही नहीं, प्रमाणत सर्वज्ञत्व भी योगी है, वह प्रमातृत्व से प्रमाण प्रमेय संबंध से च अविचारित रमणीय अनादि अविद्या संबंध मंत्रेण असिद्ध है। प्रमाणत जो सर्वज्ञ हो जाता योगी लोग, उन लोगों को भी प्रमातृत्व से, उनमें अपने आप में प्रमातृत्व है, और प्रमाण प्रेय का संबंध प्रमेय का संबंध मानेंगे, जो संबंध मानेंगे आपको वहां पर भी योगी ने संबंध क्यों किया, समाज से क्यों बाहर आए? निर्विकल समाधि में रहता हो, सदा निर्विकल समाधि में रह जाए, बिना विद्या का उसका सबकल का संबंध हो गया, अणिमा महिमा लघिमा आदि सिद्धियों को दर्शाना, अपने सर्वज्ञ तो प्रख्यापन करना, ये बिना अविद्या का हो नहीं सकता। अविचारित रमणीय अनादि अविद्या तुम्हें भी स्वीकार करना ही होगा, चाहे योगी मानो चाहे ईश्वर मानो, चाहे स्वरूपत सर्वज्ञ मानो चाहे आप प्रमाणत सर्वज्ञ मानो, लेकिन आपको भी बीच में अनिर्वचनीय अनादि
अविचार तुमने अनिर्वचनीय, अविद्या को माने बिना आप बिना योगी में सर्वज्ञ सिद्ध कर सकते हो, ना अपने ईश्वर में तुम सर्वज्ञ सिद्ध कर सकते हो। यदि तुम्हारे ईश्वर असंग है तो सर्व का संग कैसे हो गया, तो सर्वज्ञ कैसे होगा। भैया हम इन दस को जान रहे का मतलब क्या, दसों को साथ में संबंध कर रहा हूँ और मेरा स्वरूप मैं असंग हूँ और कहूँ मैं सबके साथ संग भी कर रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है, विरोध है साक्षात। यदि मैं असंग हूँ, स्वरूप मेरा असंग है, तो मैं किसके साथ संग हो नहीं सकता, और असंग होते हुए संग मानना है तो बीच कुछ न कुछ कल्पना करनी ही पड़ेगी आपको, जिसके कारण से आप असंग होते हुए संग वाले हो गए, संगी हो गए, संबंधी हो गए। नित्य सर्वथा असंबद्ध होते हुए संबद्ध होना का बीच में कोई चीज मानना पड़ेगा जो संबंध को पैदा करना है, उसके लिए आपको भी अंततो गत्वा अनिर्वचनीय अविद्या माननी होगी। अंतरण सिद्ध है सर्वज्ञत्वम अविद्यावत्ताम आक्षिपति, इससे अविद्यावत्ता उस ईश्वर में और योगी में भी सिद्ध हो गया। जो ईश्वर और योगी ही जब अविद्या आश्रित आश्रय हैं, अविद्या उनमें आश्रित है, तो किमुत जीव किमुत न्याय, इसे जीव भी अविद्या आश्रित सिद्ध हो गया। सिद्ध है सर्वज्ञत्वम अविद्यावत्ताम आक्षिपति न तो प्रतिक्षिपति इत कुतो पे प्रशेषा, कहीं प्रतिक्षेप तो है नहीं तो ये प्रशेष कहाँ से हो गया। न तो प्रतिक्षिपति आक्षिपत्येव है ना, आक्षेप ही सिद्ध हो, आक्षेप तो सिद्ध हो रहा है, प्रतिक्षेप हो नहीं रहा है यहाँ पे, इसे कोई विरोध नहीं है, कुतो विरोध है ननु, एक दूसरे प्रकार से बोल रहे ननु मैंने अविद्या आश्रित्व सर्वज्ञत्व, इसके अनुसार आपको चलना ही पड़ेगा, कोई विरोध नहीं, ये सिद्ध कर दिया। अब वो कहता है स्वरूप विरोध भी नहीं है, वास्तव में स्वरूपता भी विरोध नहीं बनेगा। कैसे ननु प्रकाश रूप से कथम अप्रकाश रूप अविद्याश्रित्व, जब प्रकाश रूप है वो अप्रकाश रूप अविद्या का आश्रय कैसे हो सकता है, सूर्य चंद्र के समान परस्पर विरोध हो जाएगा। एक देशी पूछ रहा है ना, तार्किक वेदांत से पूछ रहा है, ये परस्पर विरोध नो हो तम प्रकाश और इव आधार दे भव अर्पित चेत मैवम विकल्प सहत्वात्। हम पूछते हैं किम